सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है जोशना रनिंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, ले आई हूँ आज भी आपके लिए एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है writerway.com। writerway.com जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, बहुत जेन्युइन वेबसाइट है एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीन्स कि मैं इसमें आपको रिव्यू, पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट स्ट्रक्चर एंड टास्क सब चीजें अच्छे से बताऊंगी और एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको किसी डाउट की जरूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे जो वर्क करना है वो है राइटिंग का। मीन्स कि फ्रेंड, ये फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स देती है हमें। मीन्स कि हम किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे लिख कर अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ एक नॉर्मल टॉपिक देंगे और उस पर आपको लिख कर उनको सबमिट करना है असाइनमेंट। नो, ऐसा नहीं है। चॉइस आपकी होगी, टाइम आपका होगा एंड कौन से टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा यहाँ पर। बस उनका जो होगा ये होगा कि वो आपका जो लेवल है वो उसको बढ़ाते जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। जिससे जैसे आप अपने वर्क के लेवल को बढ़ाएंगे, वो भी आपके लेवल को बढ़ाते रहेंगे। आपको बता देते हो कि इससे आपको कितनी अर्निंग होगी। फ्रेंड्स, ये जो writerway.com है यहाँ पर आप पर पेज का मिनिमम बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं। अगर आप एक पेज लिखते हो रेगुलर बेसिस पर, मतलब पर डे का एक पेज लिखते हो, तो आप $8 से लेके $13 अर्न कर सकते हो। बस एक पेज का बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप एक दिन में मैक्सिमम मिनिमम आप लिख सको ना, आप 10 पेज तो नॉर्मली लिख सकते हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो अर्निंग है ना, $8 जो मैं बता रही हूँ सबसे लो प्राइस बता रही हूँ। जो सबसे हाई प्राइस है वो है फ्रेंड्स इनका $20। ठीक है, $8 में लो प्राइस बता रही हूँ सबसे। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल की राइटिंग करते हैं, किस के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपका बिगिनर और हो आप, तो आप नीचे से डाउन से स्टार्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी। फ्रेंड्स पेमेंट के बारे में बात होगी। अभी आपको पेमेंट यहीं तक नहीं रुकेगी फ्रेंड्स, मैं एक एक पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी। वो हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से पेमेंट का मेथड दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, भूलना मत मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और भी अर्निंग की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। पहले में हम रिव्यू की बात करेंगे, दूसरे में हम पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, फिर थर्ड में हम एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है यहाँ पर अर्निंग करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। मीन्स कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे एंड स्टार्टिंग के लेवल के बारे में बात, और रजिस्ट्रेशन की कौन कौन से पॉइंट है, कितने लेवल के रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको मैं पूरे अच्छे डिटेल्स में बताऊंगी, दिखाऊंगी भी यहाँ पे जो मैंने टेस्ट दी है एंड जो भी था प्रोसेस पूरा यहाँ पे आपको बताऊंगी। लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी यहाँ पर वर्क करने के लिए, जो आपको बहुत यूजफुल होंगे और आप इस वेबसाइट पे बहुत इजीली अर्न भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हो गई इन सब चीजों के बारे में बात। तो अब हम बात करते हैं रिव्यू के बारे में कि रिव्यू कैसा है फ्रेंड्स। यूएस बेस्ड कंपनी है, जेन्युइन वेबसाइट है, बहुत टाइम से वर्क कर रही है। मैंने जिस लेवल पे चेक किया तो मेरे को ये पता चला कि वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम से काम कर रही है, वर्क कर रही है एंड बहुत अच्छे से लोग यहाँ इंडिया से, यूएसए में, कनाडा में, हर कंट्रीज के लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छी अर्निंग भी कर रही है फ्रेंड्स। और इन्होंने फ्रेंड्स एक और चीज बताई, ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग आपके हिसाब से ये लेवल आपका बढ़ाएंगे। नो फ्रेंड्स, जब आप अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे, वर्क स्टार्ट कर देंगे, तो आप वो आपको मोनेटाइज करते रहेंगे। मींस कि आपको देखते रहेंगे कि किस हिसाब से आप वर्क बढ़ा रहे हैं, किस लेवल का वर्क कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो वर्क है, आपके वेबसाइट पे जो वर्क आएगा वो आपको बहुत अच्छे लेवल का वर्क देंगे, जिससे आपको ज्यादा अर्निंग हो फ्रेंड्स, लेवल बढ़ेगा आपका। और उसके बाद फिर जिस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता रहेगा ना, यहाँ पे आपको बोनस मिलता रहेगा, उनकी तरफ से आपको बहुत बोनस मिलता है। जब आप इस वेबसाइट पे जाके सब पूरा अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बोनस भी देते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों जॉब्स कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो ये रिव्यू, तभी इतने ज्यादा फायदे होने के बावजूद ना फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हो। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स,
ये वेबसाइट आपको बस एकेडमिक क्या सब्जेक्ट पढ़ाने का टाइम नहीं देती, ये वेबसाइट आपको एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। आगे आपको लिस्ट दिखाऊंगी, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिस्ट देख सकते हैं आप कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप लिख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से। एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे बहुत सा अच्छे से टॉपिक लेकर उस पर लिख सकते हैं बहुत कुछ। तो ये हो गया इन सब चीजों के बारे में, रिव्यू के बारे में। तो आप पेमेंट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। फिर पेमेंट स्ट्रक्चर जो है इनका बहुत अच्छा है। पूरा स्ट्रक्चर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स, पेमेंट स्ट्रक्चर जो है इन्होंने चार बेसिस से बांटा है, रेगुलर, एडवांस, प्रो लाइट एंड प्रो। ये चार लेवल के होंगे अर्निंग फ्रेंड्स। हम एक एक पेज का लेंगे एंड सब एक एक पेज की अर्निंग चेक करेंगे कि कौन से लेवल पे एक पेज की अर्निंग आपको कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो रेगुलर बेसिस पे अगर एक पेज पर डे का वन पेज भी लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको 8.50 डॉलर, 8.50 डॉलर आप अर्न कर सकते हैं। मीन्स कि हमारी करेंसी में इंडियन करेंसी में लगाएं तो आई थिंक 550 इसके आसपास ही आपके पैसे बने अकाउंट बनेंगे, ठीक है। और जो फ्रेंड एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप पर पेज एक पेज लिखते हो एडवांस लेवल पर, तो आप एक दिन में अर्न करोगे 9.35 डॉलर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और जो प्रो लाइट है, प्रो लाइट में अगर आप एक पेज पर डे का लिखते हो तो उसमें आप अर्न करोगे 10.75 डॉलर। और अगर आप प्रो लिखते हो तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है 15 डॉलर आप यहाँ पे अर्न करोगे। तो फ्रेंड्स आप इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं मंथली मंथली बेसिस पे, ठीक है। और फ्रेंड्स जो आपके अब ठीक है, पेमेंट जो है आप सोच रहे हो कि किस हिसाब से मिलेंगे, मतलब किस कैसे मिलेगी पेमेंट आपको। तो फ्रेंड्स जो इसकी जो पेमेंट है वो आपको मंथ में 2 बार मिलेगी। मींस कि 15 15 डेज की, 2 2 वीक्स की आपको पेमेंट्स मिलेगी। उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पेमेंट अगर आपकी आती है तो 1st to 5th डेट के बीच में मिल जाएगी, एंड सेकेंड पेमेंट 16 to 20 डेट के बीच में आपको सेकेंड पेमेंट मिल जाएगी। तो मंथ में 2 बार आपको मतलब 15 15 दिन की पेमेंट मिलेगी। और फ्रेंड्स एक और चीज आप याद रखना कि जब तक आपके 100 डॉलर नहीं हो जाते, आपके पेमेंट और क्रेडिट नहीं होगी, क्रेडिट नहीं होगी। तो आपके 100 डॉलर का होना जरूरी है, तभी आपकी पेमेंट होगी। बाय चांस फ्रेंड्स 100 डॉलर आपके इस मंथ में नहीं होते हैं, 15 दिन में नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका पैसे कहीं नहीं जाएंगे। जो सेकेंड जो आपकी पेमेंट मिलेगी उस टाइम तक आपके 100 डॉलर हो जाएंगे, तो आपको वो पेमेंट तब मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप सोचोगे किस हिसाब से, मतलब किस मेथड के थ्रू पेमेंट आपको मिलेगी, तो फ्रेंड्स ये 3 मेथड आपको दिखा रही हूँ, इसके थ्रू ही आपको पेमेंट मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये 3 मेथड ध्यान रखना। पे यूनियन पे आप जाके अकाउंट बना सकते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट, यहाँ पे आप डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए तो पेमेंट इस चीजों के अकॉर्डिंग मिलेगी, ये आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स अब आता है एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स, कि आपको कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और एलिजिबल क्या होना चाहिए, कितना कौन कौन बंदा है इस पे वर्क करने के। तो फ्रेंड्स ग्रेजुएशन ये मांग रहे हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी लेवल की जॉब कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीकॉम है या बीए है, एमकॉम है या बीटेक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है, बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप किसी भी लेवल की बैचलर डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो, यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मांगे हैं, क्योंकि आप जब टेस्ट सब क्लियर कर लेंगे उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड्स कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी लगाना है। फ्रेंड बाय चांस आप नहीं लगा पाते, मीन्स के आपके पास नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि आप फ्री हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं उनकी इस प्रोसेस में, बिल्कुल पूरी क्लियर हेल्प, वो 100% आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे फ्रेंड्स। मेल करके या कॉल करके आप उनसे हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिविल, मतलब रिज्यूम। और फ्रेंड्स इन्होंने रिज्यूम अपलोड करना है आपको, रिज्यूम में इन्होंने लिख रखा है कि जो प्रोफाइल जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो जो चीजें लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिविल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है आपको टीचिंग पसंद है, आपकी हॉबी टीचिंग है, रीडिंग पढ़ना,
पढ़ना पसंद है, आपने यहाँ जॉब्स करी हैं टीचिंग लाइन में या प्रोफेशनल में किसी भी चीजों में, और आपका जो रिज्यूम है वो अलग है बहुत, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है किसी और चीज से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं चलेगा। उससे रिलेटेड रिज्यूम होना चाहिए जो आपने चीजें भरी है वहां पे, तो ये बात याद रखना बहुत। हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको writerweb.com पे जाना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एंड वहां जाके आप सीधे इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे इसमें कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए, तो आप इसको पढ़ लेना एक तरह से। कहते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले हमें खुद से उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके पॉइंट्स सब कुछ, तो आप एक बार पढ़ लेना। जब ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद ही कॉर्नर पे आपको थ्री लाइंस मिलेंगी, यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आएगा हाउ इट वर्क एंड पेमेंट और अप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आप रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तीन तरह की चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला, वो तीन तरह के फॉर्म्स फिल करने हैं आपको। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा होगा क्वालिफिकेशन के बारे में, तीसरा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स कि अबाउट सेशन, एक तरह से कि आपके बारे में कुछ बताएंगे। जो फ्रेंड्स जो सेकेंड प्रोसेस है जो क्वालिफिकेशन है, उसमें सब्जेक्ट्स मतलब किन किन चीज़ों पे आप किन किन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं किन से रिलेटेड, तो 7 सब्जेक्ट्स है। मीन्स फ्रेंड्स वही चॉइस करना जो आप लिख सकते हो, ठीक है। 7 टॉपिक कोई भी से भी आप चॉइस कर लेना। ये सब कुछ आप चॉइस करेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे। इसके बाद ये तो हो गई हमारी इन सब चीज़ों के बारे में बात कि हमें क्या क्या करना है। तो अब हम मैं आपको ये बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ये 3 फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो टेस्ट मेथड होगा ये सब कुछ होगा वो बता देती हूँ, कितने कितने पॉइंट्स होंगे टेस्ट के, ठीक है। ये करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब 1-6 स्टेप है टोटल। फर्स्ट स्टेप में स्टेप आएंगे, ये 6 स्टेप में आपको, फर्स्ट स्टेप में जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट स्टेप में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड्स टाइम यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने टेस्ट दिया है, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। 15 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नहीं बता सकती, हो सकता है चेंज आए क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स अलग चॉइस करे थे एंड आप अलग चॉइस करेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन आपको क्लियर करने ही करने हैं, और जब वो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ग्रामर रिलेटेड, आप पढ़ेंगे ना पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है ग्रामर के बारे में। जब ये क्लियर कर लेंगे सेकंड ऑप्शन आएगा आपके पास। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने लिख रखा है 100-150 वर्ड्स में एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, कोई सा भी नॉलेज भरा नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है नॉर्मल सा है, उसके बारे में आपने 100-150 वर्ड्स लिखने हैं। आई थिंक इसमें टाइम 15 मिनट्स थे, 15 मिनट थे इसमें लिखने के लिए उसको, वो आपने करेक्टली मतलब नॉर्मली वो यही चेक करना चाहते हैं आपकी ग्रामर अच्छी है कि नहीं और आप कितना लिख सकते हो इतने टाइम में लिख सकते हो कि नहीं, तो आपने ये लिख देना है। जब आप लिख देने के बाद ये सबमिट कर देंगे, उसके बाद आएगा आपका प्रोसेस, एक टेस्ट होगा जो सब्जेक्ट्स आपके 7 सब्जेक्ट्स उसमें फिल करें उससे रिलेटेड ही वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं। रैंडमली आएंगे फ्रेंड्स, कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब वो कैसे मर्जी क्वेश्चन दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे बस, वो 5 क्लियर करना है आपको फ्रेंड्स, वो 5 क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। जब फ्रेंड्स जब आप ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, मींस कि 5 क्वेश्चन का मल्टीपल जो टेस्ट है आपका 5 क्वेश्चन का वो जो आप कर देंगे, उसके बाद होगा 4th स्टेप। 4th स्टेप में आपको रैंडमली एक क्वेश्चन एक ऐसे दिया जाएगा फ्रेंड, ये ऐसे आप कहीं और लिख सकते हैं, कहीं और गूगल के हेल्प से ले सकते हैं, बट अपने ही हिसाब से लिखना पढ़ सकते हैं कहीं और से एक बार, कहते हैं ना सेल्फ रीडिंग कर लेते हैं एक बार कहीं से और फिर वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उस टेस्ट को अपलोड करने के बाद आपको अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मांगते हैं ये लोग, तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपना सिविल अपलोड करना है। सिविल अपलोड ये सब चीज़ें काम करने के बाद, सिविल विविल सब कुछ अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको वो लोग खुद कॉन्टैक्ट करेंगे एंड मेल से भी कर सकते हैं, हो सकता है कॉल भी कर दें, बट उसमें टाइम लगता है 14-15 दिन लगेंगे ही लगेंगे, आप लगा के चलिए क्योंकि बहुत टाइम से ये प्लेटफॉर्म चलता आ रहा है और आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया होगा। तो पेशेंस रखिए, अप्लाई कीजिए और भी प्लेटफॉर्म पे इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, हो सकता है कहीं और से जल्दी कॉल आ जाए आपको आने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म आप बहुत जेन्युइन है एंड अच्छा है। इससे रिलेटेड मैं इस बारे में आपको और इसलिए बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल रखे हैं सब्जेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो।
बट फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, इतने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज भरा है या कुछ अच्छा मिल रहा है मेरे वीडियोस से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि और अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म थोड़ा भी अच्छा लगा एंड इससे रिलेटेड और बातें आप जानना चाहते हैं और आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपकी क्वारी के आंसर्स दूंगी बिल्कुल। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। बाय बाय।